हेलो फ्रेंड्स, किरण द नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर हनीकॉम्ब डिज़ाइन। इसका जो वीडियो है ये पहले भी मेरे चैनल पे है, बट फ्रेंड्स मैंने इसमें बिल्कुल अलग तरीके से बताया है। दूसरा मेथड है ये, अलग अलग मेथड से हनीकॉम्ब डिज़ाइन को डाला जा सकता है, और मैंने ये बहुत ही ईजी मेथड से बताया है जिससे आप आराम से इसको डाल लोगे। और फ्रेंड्स ये टू कलर में है, आप इसको मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं और सिंगल कलर में भी डाल सकते हैं। और देखिए मैंने इसको रेड और क्रीम कलर पे भी बुन के देखा है, बहुत सुंदर उभर के डिज़ाइन आया है। आप किन्हीं भी कलर पे डाल के देखिए, बहुत सुंदर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इजी मेथड से इसको बुन के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए लिए है मैंने ये 20 स्टिचेस। आप किसी भी इवन नंबर के स्टिचेस इसमें ले सकते हैं, यानी कि 2 के मल्टीपल्स आप लेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है आपके स्वेटर पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे आराम से सेटल हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें मैंने यूज़ की है 10 नंबर की नीडल्स। आप अपनी वूल के हिसाब से इसमें नीडल्स यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही सॉफ्ट आता है, इसको आप जितनी थोड़ी मोटी नीडल से बुनेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बारीक नीडल से बुनेंगे तो ये बहुत टाइट आ जाएगा, जो सुंदर नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम बुनते हैं। देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड है, ये डिज़ाइन जो है ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है। इसकी एक जो बेसिक रो है रॉन्ग साइड की, ये आपको कंपलसरी डालनी है। इसके बिना ये डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा, ना ही ये स्टार्ट होगा। देखिए रॉन्ग साइड बेसिक रो, ये आप सारी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको सारा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया बेसिक रो को। बेसिक रो जो है वो सिर्फ आप एक बार ही बुनोगे, और ये है इसकी राइट साइड रो 1। इसको आप स्टार्टिंग से बहुत ही ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ आपको वैसे ही बुनना है। 1 और ये 2, 2 स्टिचेस आप सीधे बुनोगे स्टार्टिंग से। और देखिए अब आगे कैसे करेंगे, ये वाला स्टिच है जो नेक्स्ट, ये हम नीचे से बुनेंगे। ये वाला देखिए, यहाँ से नीचे से बुनेंगे। अब बस आपको यही रिपीट करना है, एक आप सीधा बुनेंगे, ध्यान से देखिए, एक आप नीचे से बुनेंगे। बहुत ही इजी मेथड, एक आप सीधा बुनेंगे, एक आप नीचे से बुनेंगे, सीधा और देखिए यहां से नीचे से, नीचे से बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, देखिए नीचे से बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, नीचे से बुनेंगे, देखिए ऐसे ही आप इसमें जितने भी आपके इवन नंबर के स्टिचेस होंगे ऐसे ही बुनते जाएंगे। एक सीधा बुनेंगे और एक नीचे से बुनेंगे। रो नंबर 1 में आप स्टार्टिंग से 2 सीधे बुनेंगे। देखिए ये सीधा आएगा और ये वाला नीचे से आ जाएगा, और लास्ट स्टिच आपका सीधा बुन के आएगा। देखिए ऐसे ये रो नंबर 1 हमने फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिए। रॉन्ग साइड में हम रो नंबर 2 में, बहुत ध्यान से देखिए स्टार्टिंग से कैसे कर रही हूँ मैं। एक आप सीधा बुनेंगे जो आपने उधर से भी ऐसे बुना है, और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स जो आपने नीचे से बुना है उसका आपका ऐसे वाला निकल के आएगा। देखिए क्योंकि ये नीचे से बुना गया है, एक स्टिच जो है ये छूटा हुआ है, यहाँ से आप इसको और
इसको दोनों को लेके आप ऐसे इकट्ठा बुनोगे। देखिए, फिर एक सीधा बुनेंगे, यहां से आप देखेंगे अपने आप आपको मिल जाएगा, ये देखिए, ये और ये वाला स्टिच, ये दोनों इकट्ठे बुनेंगे। फिर एक सीधा बुनेंगे, देखिए, ये आपने जो नीचे से बुना है ये अपने आप आपको दिख जाएगा जब आप थोड़ा सा इसको छेड़ेंगे तो। देखिए, एक सीधा बुनेंगे, इन दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, ये देखिए इसको ऐसे बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, इन दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, इन दोनों को देखिए ऐसे निकाल लेंगे, ये आराम से आ जाएगा। ये देखिए, जो आप उधर से नीचे से बुन रहे हैं वो वाला स्टिच है ये, सीधा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, देखिए ये नीचे वाला जो स्टिच है ये आपने बुन लिया है। अब आपके पास है दो जो आपने सीधे बुने थे उधर वाली साइड से, इधर से देखिए ये भी सीधा बुना जाएगा और ये भी सीधा बुना जाएगा। ये हमने रो नंबर टू जो है कंप्लीट कर ली है। रो नंबर थर्ड में हम राइट साइड में, इसमें आप दो दो रोज के बाद कलर चेंज करेंगे। वो बेसिक रो तो आप एक डालेंगे डालेंगे, रो नंबर वन और टू के बाद आप देखिए कलर चेंज कर लेंगे। अब देखिए कैसे बुनेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से हम एक सीधा बुनेंगे, जो रो नंबर फर्स्ट में हमने दो सीधे बुने थे इसमें हम एक ही सीधा बुनेंगे, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे नीचे से बुनने वाला स्टिच। देखिए नीचे से बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, नीचे से बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, नीचे से बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, नीचे से बुनना आपको वैसे ही है, बट यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रो में हमने स्टार्टिंग से दो सीधे बुने थे, इसमें थर्ड रो में हमने एक ही सीधा बुना है और फिर आगे से हमने ये नीचे से बुनना स्टार्ट किया है। सीधा बुनेंगे, नीचे से बुनेंगे, देखिए आपको पता चल जाएगा, जैसे ये हमने सीधा बुनना है तो ये इसमें डबल सा आपको दिखेगा, यहाँ से आपको डबल सा फंदा दिखेगा, उसमें आपको पहचान होगी कि आपको यहाँ से ये सीधा बुनना है, और ये वाला फंदा आपको सिंगल सा दिखेगा, ये आप नीचे से बुनेंगे। देखिए पहचान कर लीजिए, ये आपको मोटा सा फंदा दिखेगा ये आप सीधा बुनेंगे, और ये सिंगल फंदा दिखेगा वो नीचे से बुनेंगे। देखिए ऐसे, रो नंबर वन में हमारे पास एक ही सीधा लास्ट में आया था, इसमें हमारे पास लास्ट में दो सीधे फंदे आएंगे जो हमने बुनने हैं। देखिए ऐसे, ये रो नंबर थर्ड मैंने फ्रेंड्स कंप्लीट कर ली। रो नंबर फोर में हम रॉन्ग साइड में, देखिए कैसे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, दो सीधे बुनेंगे, जो हमने उधर से सीधे ही बुने हैं, देखिए यहाँ से आपको ये फंदा डबल अपने आप दिखने लग जाएगा। देखिए ये सिंगल सा दिख रहा है, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको निकालोगे तो ये दिखने लग जाएगा। देखिए
ये इसके ऊपर ये पिंक सा फंदा, ये देखिए एक तो ये है एक ये है, तो इन दोनों को आप लेके ऐसे इकट्ठा बुनेंगे। एक फंदा देखिए ये इसमें दिखेगा, ये सिंगल सा है, इसको आप सीधा बुनेंगे। यहाँ से आपको ये दिखेगा कि ये डबल है, ये देखिए, और ये दोनों को मिला के हम बुन देंगे। बुनने का मेथड वही रहेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फंदा आपको कैसे बुनना है। ये जब जब आप बुने जाओगे तो आपको ये दिखेगा अपने आप, इसमें देखिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हनीकॉम्ब डिज़ाइन डाल नहीं पाते हैं, उनको बहुत टफ लगता है। इस वीडियो से उनके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ध्यान से दो चार बार देखेंगे तो आराम से ये डिज़ाइन डाल लेंगे। जैसे जैसे इसमें रोज डालोगे आप, आपको पता चलने लग जाएगा खुद ब खुद। देखिए मेथड वही है रोज का, बस आपको ये ध्यान देना है, बस इसमें थोड़ा सा एक सीधा और एक ये वाला। ये देखिए आराम से देखिए ये दिख रहा है, इन दोनों को इकट्ठा बनेंगे। देखिए और लास्ट में आपके पास आएगा एक यहाँ पे सीधा फंदा, ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन आ गया है, ये नीचे से आपको दिखने लग जाएगा, ये वाला पिंक वाला आपको दिखने लग रहा है, ये अभी फ्रोजी वाला निकल के नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज डालनी पड़ती है तभी इसमें डिज़ाइन दिखता है। अब फ्रेंड्स डिज़ाइन बहुत ईजी है, आपको 1 से लेके 4 तक ये रो रिपीट करते जाना है, तो डिज़ाइन आगे आगे चलता जाएगा, बहुत इजी रहेगा। अभी मैं आपको एक दो रोज और रिपीट करके बताऊंगी। अभी मैं रिपीट करने जा रही हूँ रो नंबर 1, राइट साइड है ये, मैं आपको रो नंबर 1 रिपीट करके बता रही हूँ। इसमें मैं कुछ आपको और भी दिखाना चाहती हूँ। देखिए रो नंबर 1 की तरह 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2, देखिए 2 फंदे सीधे। अब आप आगे जब बुनोगे तो आपको और भी इजी हो जाएगा। देखिए ये आपको जो दिख रहा है फ्रोजी वाला पूरा फंदा है, ये आपको नीचे से बुनना है, और जिसमें आपको पिंक और फ्रोजी दिख रहे हैं ये दो, ये आपको सीधा बुनना है। देखिए और भी पहचान बता रही हूँ, तब भी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए जो जो पूरा फ्रोजी फंदा है वो आप नीचे से बुनेंगे, जो पिंक और फ्रोजी है वो आप ऊपर से बुनेंगे। देखिए इससे आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, अब आपको ऊपर जाके इसकी पहचान हो जाएगी, आपको देखना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सा नीचे से बुनना है और कौन सा ऊपर से बुनना है। यही एक परेशानी होती है कि हम भूल जाते हैं कि हमें कैसे करना है, नेक्स्ट फंदा कौन सा बुनेंगे। इसकी देख लो आप पक्की पहचान है, जो पिंक वाला फंदा यहाँ दिख रहा है ये साथ में ये सीधा, और जो फ्रोजी दिख रहा है पूरा ये नीचे से, पिंक वाला जो है साथ में वो सीधा, जो फ्रोजी दिख रहा है वो नीचे से। बहुत ही इजी, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको कोई भी डिज़ाइन है वो बहुत ही इजी करके दिखाऊं, ताकि मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो उसको डाल सके आराम से। बच्चों के स्वेटर पे आप डालिए, बहुत सुंदर लगता है। ये मैंने रो नंबर 1 रिपीट कर दी है, अब हम करेंगे रो नंबर 2 एक बार रिपीट। रो नंबर 2 रिपीट करने जा रहे हैं हम, एक फंदा सीधा बुनेंगे देखिए, और ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा सा फंदा दिखाई दे रहा है, तो ये आपका डबल बुनने वाला फंदा है। देखिए इन दोनों को इकट्ठा लेके बुनेंगे आप, देखिए यहाँ से आपको बड़े आराम से दिखेगा। देखिए ये सिंगल लग रहा है फंदा, तो ये आप सीधा बनेंगे
और ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये डबल है, और इसको आप नीचे से इकट्ठा करके बुनेंगे। ये देखिए, और इसमें आपको फ्रोजी दो दिखेंगे, एक ये देखिए ये वाला है, और एक इसमें ये हमने नीचे से जो बुना है वो है, और इन दोनों को इकट्ठा देखिए। अब मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको पहचान इसकी बता दी है, आप आराम से इसको बुन लोगे। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये जो आपने सीधा बुनना है ये सिंगल फंदा है, ये पिंक है और ये आपकी फ्रोजी है, देखिए ऐसे। और ये आपने जो डबल बुनना है ये डबल फंदा होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो। ये देखिए, इन दोनों को इकट्ठा लेके आपको बुनना है। दो लास्ट में ये सीधे आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके ये फ्रोजी वाले भी दिखने लग गए हैं, ये हनीकॉम्ब। देखिए ये पिंक वाले नीचे से दिख रहे हैं, फ्रोजी वाले दिख रहे हैं। अब आप जैसे मैंने आपको बताया, रो नंबर 1, 2, 3, 4 इनको आप रिपीट करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन आगे आगे चलता जाएगा। आप इसमें और भी कलर बहुत से लगा सकते हैं, जैसे आप फ्रोजी के बाद कोई और कलर भी लगा सकते हैं, उसके बाद कुछ और कलर भी लगा सकते हैं। 2-2 रोज आएंगी हर कलर की, और ये आपके ऐसे ऐसे बन के आते रहेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि आप बंद कैसे करोगे इसको, जब आपने अपना स्वेटर बुन लिया है तो इस रो पे आपको बंद नहीं करना है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसको डिज़ाइन को बाइंड ऑफ करेंगे तो आप इसमें एक राइट साइड वाली रो जरूर डालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक राइट साइड वाली रो डाली है, और यहाँ पे ये डिज़ाइन की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई है। अब इसको आप रॉन्ग साइड से बाइंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आप सीधी साइड की एक रो नहीं डालोगे इसमें, तो ऐसा 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 आएगा जो अच्छा नहीं लगेगा बंद होने के बाद, बाइंड ऑफ होने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसे वाला बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, उठाइए अपनी सिलाइयाँ और ऊन, और जितने फंदे मैंने डाले हैं उतने ही फंदों में आप इसको बुन के देखिए। आपको अच्छी तरह से आ जाए तो आप अपने किसी भी स्वेटर पे डालिए, और बच्चों के स्वेटर पे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। और एक बात और बता देना चाहती हूँ मैं, इसमें थोड़ी सी वूल जो है वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये डबल बन के तैयार होता है। देखिए ये डबल बुना जाता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट डिज़ाइन बनता है। तो चलिए आप भी अपने बच्चों के स्वेटर पे बनाइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।